हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब के अंदर क्या क्या लगा रहता है यह देखेंगे। इसके जो बल्ब है इसके अंदर क्या क्या रहता है। ये हमारे पास फिलिप्स कंपनी के 20 वाट के एलईडी बल्ब है और जो इसका होल्डर है वो स्क्रू टाइप होल्डर है। तो इसको खोल लेते हैं। ये ऊपर का ढक्कन ये हमने निकाल लिया है। ये देखिए, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी एलईडी लगी है। ये है 30 एलईडी लगी है, छोटे छोटे जो एलईडी बल्ब है छोटे छोटे वो 30 है। और ये जो पीसीबी है ये एक एल्यूमिनियम की प्लेट के ऊपर फिट किया हुआ है स्क्रू के साथ। और ये जो एल्यूमिनियम की जो प्लेट दी हुई है नीचे, ये देखिए, ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है ये एक हीट सिंक का काम करता है। जैसे ये बल्ब में हम पावर देते ऑन होता है तो ये हीट जनरेट करते हैं, तो उसको ये जो एल्यूमिनियम की सीट जो नीचे लगा रखी है ये अब्जोर कर लेती है, तो इनको हल्की कूलिंग मिलती रहती है। तो और इसके अंदर ये इधर एक कार्ड लगा है, इसको भी निकाल लेते हैं। उसके लिए होल्डर इधर का, ये देखिए, ये जो इसका होल्डर में कनेक्ट करने के लिए जो स्क्रू टाइप होल्डर है, ये जो सेंटर जो पॉइंट है ये फेज कनेक्ट करते हैं। और बॉडी में इसकी ये जो वायर इधर मुड़ी हुई थी ये इधर कनेक्ट करते हैं, बॉडी के साथ टच हो जाती है तो इधर से इसको न्यूट्रल मिलता है। ये जो पॉइंट है ये फेज मिलता है और बॉडी के साथ जो साथ में ये है इसमें से न्यूट्रल। तो ये कार्ड अभी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें बाकी और इसमें कुछ नहीं है अंदर में, तो इसको यहाँ रख देते हैं। ये जो कार्ड है इसकी इनपुट पावर सप्लाई है, जो इसके अंदर इनपुट पावर सप्लाई देंगे वो 110 वोल्ट से लेकर के शुरुआत एसी 110 एसी वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट एसी तक इसको हम पावर दे सकते हैं। एसी वोल्ट कम से कम 110 और ज़्यादा 240 वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट इसके अंदर इनपुट। और फिर ये कार्ड जो पावर को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, 94 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एसी से डीसी के लिए कार्ड लगाया हुआ है। ये जो कार्ड है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करके देगा, वो भी 94 वोल्ट। और इधर से ये पॉजिटिव और नेगेटिव इधर जो ये एलईडी लगी हुई है उसकी पीसीबी में गई है, इधर पॉजिटिव कनेक्ट हो गया और इधर नेगेटिव। अब ये एलईडी है, इसको एक एलईडी को जलने के लिए, यानी कि पावर जब ये जलेगी तो इसको पावर चाहिए 3 वोल्ट डीसी, यानी कि 3 वोल्ट डीसी अगर इसमें हम एक एलईडी में कनेक्ट करेंगे पावर, तो ये ऑन जलने लग जाएगी। और इसमें 94 वोल्ट डीसी इधर कनेक्ट करते हैं और वो सीरीज में कनेक्शन इस टाइप से किए होते हैं कि एक एलईडी को 3 वोल्ट प्रॉपर 3 वोल्ट डीसी मिलती रही, उसी से ये ऑन होती है। 20 वाट की एलईडी में 30 एलईडी लगी रहती है छोटी छोटी, ये छोटी जो है ये 20 वाट की एक बन जाती है और उसके अंदर जो अंदर की साइड ये 30 एलईडी लगी हुई है। और इसमें खराब होने वाला जो होता है ये कार्ड होता है, अगर वोल्टेज हाई या लो होती है तो ये कार्ड ही खराब होता है। कार्ड का कोई डायोड खराब हो गया या रेजिस्टेंस या फिर ये कैपेसिटर। लगा हुआ है और बाकी इसमें इन एलईडी है, बहुत रेयर केस में ये एलईडी खराब होती है, वरना ये नहीं होती खराब। और इसके नीचे एक हीट सिंक, हीट के लिए जो हीट को इसके अंदर ट्रांसफर करता है उसके
लिए एक सोल्यूशन लगाया जाता है, ये देखिए वाइट कलर का, ये इधर भी लगा रखा है ताकि ये ट्रांसफार्मर सा जो छोटा सा है इसको भी एट जो होती है उसको, ये जो एलईडी बल्ब है इसका बाहर का कवर है ये एल्यूमिनियम का है, बाहर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे प्लास्टिक का कवर है फिर अंदर में एक एल्यूमिनियम का रहता है। वो ये क्या काम करता है, जो जितनी भी हीट होती है इसकी कार्ड की और ये एलईडी जो बल्ब लगे छोटे छोटे उनकी हीट होती है वो सारी ये अब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।